हेलो गाइस, मैं हूं राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एलएन सवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम जमीन का ऑनलाइन रसीद कैसे काट सकते हैं। दोस्तों, पहले क्या होता था कि हमें ब्लॉक में जाना पड़ता था, कर्मचारियों से रसीद काटना पड़ता था, लेकिन अब हम मॉडर्न युग में आ चुके हैं और हम घर बैठे हैं अपने मोबाइल से जमीन के ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं। दोस्तों, मैं अपने मोबाइल में दिखाऊंगा कि आपको पूरे प्रूफ के साथ ही कैसे हम जमीन का ऑनलाइन रसीद काटा सकते हैं और इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कभी कभी कि हम पेमेंट करते हैं और पेमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो क्या होगा, उसको कैसे हम रीयूज करेंगे? वो पेमेंट तो दोबारा हमें मिलने वाला नहीं है, उसे रीयूज ही करना होगा। तो कैसे रीयूज करेंगे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे हम ऐसे वीडियो अपलोड करें इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपने मोबाइल का कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रोम ब्राउजर ही आप चलाएं और ओपन करें। तो क्रोम ब्राउजर में आप टाइप कीजिए ऑनलाइन रसीद, टाइप करेंगे तब भी हो जाएगा। ऑनलाइन रसीद करके सर्च कर दीजिए और दोस्तों आपके सामने पहला टैब दिखेगा लैंड रिकॉर्ड्स, जिसमें बिहार भूमि डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट आई एन लिख कर भी सर्च कर सकते हैं, तब भी मिलेगा। तो दोस्तों, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी डायरेक्ट इस लिंक पे चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लैंड रिकॉर्ड ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही लैंड रिकॉर्ड ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। तो आप लोग पूरे प्रोसेस को सावधानी पूर्वक देखिएगा, तभी आप लोग अपना रसीद काट पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है हमें ऑनलाइन लगान, ये पहला दिख रहा है, पब्लिक ग्रेवियंस दूसरा है, फिर राइट टू पब्लिक सर्विस है, फिर निबंधन है, फिर डिस्क्लेमर और ई म्यूचुअल स्टेटस। तो दोस्तों, हमें ऑनलाइन लगान पे जाना है, हमको रसीद कटाना है। तो करेंगे इस पे, सबसे पहले ऑनलाइन लगान पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे ही हम ऑनलाइन लगान पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। इसमें है लगान बकाया देखें, फिर ऑनलाइन भुगतान करें हैं, फिर इधर हम आएंगे तो रजिस्टर टू देखें, फिर पिछली लगान देखें और लंबित भुगतान देखें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको रसीद काट के दिखाते हैं, इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर हमारा जो पेमेंट किए हुए हैं सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो उसको कैसे रीयूज़ करना है। तो आप हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप रीयूज़ कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम अपना रसीद कैसे काटा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना होगा लगान बकाया देखें पे क्लिक करना होगा, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। तो इसमें आपको कुछ पहले लिखना होगा डिटेल्स अपना। तो इस पहला है जिला का नाम, तो जिला का नाम सेलेक्ट कर लीजिए अपना जो भी होगा। तो मैं तो कैमूर से हूँ तो मैं यहाँ पे कैमूर कर लेता हूँ। अंचल का नाम फिर चयन करना है तो इसमें चयन करिए, जो भी आपका अंचल हो सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे। फिर हल्का नाम यहाँ पे जो है वहाँ पे सेलेक्ट करिए कि आप किस पंचायत में हैं, वो वाला सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। मौजा का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, आपको जिस मौजे की रसीद कटानी हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप कैसे देख सकते हैं, भाग वर्तमान पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, पृष्ठ संख्या अगर आपको पता है तो देख सकते हैं, रयत नाम से भी खोज सकते हैं, फिर नेक्स्ट है प्लाट नंबर से खोजें, और फिर खाता नंबर से खोजें, और समस्त पंजी टू के नाम अनुसार देखें। आप रजिस्टर टू देख सकते हैं और नाम के उसमें से चेक करके अपना रसीद कटा सकते हैं। तो सबसे सिंपल होगा हमें प्लाट नंबर और खाता नंबर से खोजने में, क्योंकि खाता नंबर और प्लाट नंबर सबके पास रहता है। तो हम तो मुझे खाता नंबर पता है तो खाता नंबर से खोजे वाले पे क्लिक कर लेंगे, और इसके बाद जस्ट उसके नीचे वाले बॉक्स में जो भी खाता नंबर होगा वो हम वहाँ पे टाइप कर देंगे। तो मैं यहाँ पे 65 है तो मैं 65 टाइप कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे खोजे पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप खोजे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो जितने भी रयत के नाम से उस खाते संख्या में जमीन होगी वो आपको लिस्ट दिखेगी यहाँ पे। तो 65 खाते संख्या में इतने लोगों के नाम से जमीन है, तो हमें जिसके नाम से भी काटना है हम उनका क्लिक करेंगे। तो हमें इनका काटना है परशुराम सिंह, तो मैं इन पर क्लिक कर देता हूँ देखे पे। तो यहाँ पे हमने देखे पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, पंजी टू विवरण, तो भाग वर्तमान एक में है और पृष्ठ संख्या 66 में है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद जिला कैमूर अनुमंडल जो भी है सब डिटेल्स आपको मिलेगा यहाँ पे, और जिसके नाम से है उनके नाम से मिलेगा आपको।
तो दोस्तों इसमें आपको दिखा है कि कितना प्लाट संख्या है, कितना कितना लिस्ट सब आपको दिख जाएगा कि रकबा कितना हुआ, प्लाट एक प्लाट में कितने रकबे हैं, टोटल डिटेल से आपको हिस्ट्री मिलेगी और लास्ट में आपको टोटल परिणाम मिलेगा कि कितना 3 एकड़ 98 डिसमिल जितना भी होगा उस हिसाब से आपको आपका दिख जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ आपके सामने नीचे जो है लगान का विवरण क्या होता है, 180 रुपये, शिक्षा सेंस 90 रुपये होता है, रोड सेस 45 और स्वास्थ्य सेंस 90, कृषि सेंस 36, टोटल 441 रुपये लगता है एक साल का। तो इसके बाद दोस्तों अब हमें रसीद काटना है, तो हम क्या करेंगे बकाया देखे वाले पे क्लिक कर लेंगे, बकाया देखे पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारे सामने कुछ एक नया इंटरफेस खुल के सामने आएगा। टोटल जितना बकाया होगा वो यहाँ पे लिख रहा है, हमारा कुल बकाया राशि 882 और कुल देय राशि है 890 रुपये। तो दोस्तों ये 2 वर्ष का है, हमें दो कुल 2 वर्ष टोटल दोनों वर्ष का हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम पिछले वर्ष का भी बकाया था 18-19 से, और ये 19-20 है, तो हम 19-20 में कटा रहे हैं, तो दोनों साल का कटेगा। अगर हमारा पिछला बकाया होगा तो उसे ही पैड करना होगा, ये नहीं है कि हम जिस वर्ष कटा रहे हैं उसी का कटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें कटाना होगा तो पिछले सालों से टोटल ऋण चुकता करना होगा। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है ऑनलाइन भुगतान करें, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ऑनलाइन भुगतान करें। जैसे ही क्लिक किया हमने दोस्तों तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आया। इसमें है बकाया लगान 2018-19 टू 2018-19, इसमें 180 रुपये, ऐसे करके टोटल हिस्ट्री यहाँ पे मिलेगी हमें। और टोटल फिर से नीचे एक बार दिखेगा कुल लगान 882 रुपये है और कुल देय लगान होगा 890 रुपये का। तो दोस्तों इसमें रिमिटियर नेम डालना होगा, दोस्तों जिसके नाम से रसीद कटती है उसी का नाम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर लिखेंगे और एड्रेस डालेंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं फटाफट से नाम इनका। तो ये हमने यहाँ पे इनका नाम एंटर किया, फिर इसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे दोस्तों। तो ये हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी एंटर कर दिया, अभी हम एड्रेस हम डाल लेते हैं यहाँ पे फटाफट से, जो भी एड्रेस होगा आप वो डालेंगे अपना। तो दोस्तों ये हमने एड्रेस भी एंटर कर लिया, अब चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पे आई एग्री के बटन पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों ये एक बार ये ओके कर लेंगे, डिस्पोजिटर आईडी मिल चुका और ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे आपको है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए लीजिए सबसे पहले। तो ये हमने इसका ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद हम भुगतान करें टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमने क्लिक किया भुगतान करें वाले टैब पे। तो जैसे दोस्तों हम भुगतान करें टैब पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आया, ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम जिस माध्यम से ये पेमेंट रिसीव करेगा। तो उसे आपके सामने कुछ डिपार्टमेंटल डिटेल्स आएगा, इसके बाद फिर अकाउंट डिटेल्स आएगा कितना रुपये बकाया टोटल, एक बार फिर से अमाउंट दिखेगा आपको, और फिर यहाँ आपका टोटल पेयर का डिटेल्स आपको दिख जाएगा जो आपने फिल किया था। इसके बाद दोस्तों पेमेंट डिटेल्स पे आइए, पेमेंट डिटेल्स पे आप आने के बाद दोस्तों ई पेमेंट पे क्लिक करिए। यदि आप ये वाले पेमेंट पे क्लिक करेंगे पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर कैश या चेक, तो आपको इसके लिए ऑफलाइन प्रोसेस में जाना पड़ेगा। तो इसके से बेहतर है कि हम पेमेंट मोड में ई पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर ले। तो ये हमने ई पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, और फिर यहाँ से दोस्तों सेलेक्ट बैंक यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें दोस्तों इतने बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, इंडियन ऑब्जर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको ये रसीद कटाने के लिए आपके पास इंटरनेट बैंकिंग होनी चाहिए, बिना इंटरनेट बैंकिंग के आप जमीन का ऑनलाइन रसीद नहीं काट पाएंगे। तो मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक का इंटरनेट बैंकिंग है, तो मैं पंजाब नेशनल वाले टैब पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो आप लोग हर प्रोसेस को सावधानी पूर्वक करिएगा। तो ये हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करते हैं, ये सर्च हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारा सामने आया बिहार ऑर्गर्स ऑनलाइन पेमेंट। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे भी आपको टोटल अमाउंट 890 रुपये दिख रहा है, पेमेंट मोड है नेट बैंकिंग। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही हमें आपने कंटिन्यू किया, अब जो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं रिटेल यूज़र हैं या कॉरपोरेट यूज़र हैं, तो रिटेल हम यूज़र हैं तो हम रिटेल यूज़र पर क्लिक कर दिए। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा मेक पेमेंट के ऑप्शन के बाद, थोड़ा टाइम लग रहा है ओपन होने में, और ये हमारा ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे यूज़र आईडी डालेंगे,
चलिए हम यूज़र आईडी डाल देते हैं अपना, जो भी है आप अपना डाल सकते हैं। यहाँ पर डालने के बाद हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया। कंटिन्यू पे क्लिक कर आप दोस्तों पासवर्ड यहाँ पर डालना होगा आपको। तो उसे यहाँ पासवर्ड डालने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। हम आप इस वीडियो को देख करके पीएनबी का नेट बैंकिंग भी देख सकते हैं, कैसे हम पीएनबी का नेट बैंकिंग चलाते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे आप जो अकाउंट नंबर होगा आपका वो दिखेगा, और आपको यहाँ से फिर दिख गया 890 रुपये का टोटल पेमेंट कर रहे हैं आप, और फिर रिमार्क करिए। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो कंटिन्यू पे क्लिक किया हम यहाँ पे आपको जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना होगा, जो भी आपका ट्रांजेक्शन पासवर्ड हो आप डाल लीजिए यहाँ पे। आप डालने के बाद पासवर्ड दोस्तों सबमिट पे क्लिक करना होगा आपको। तो दोस्तों जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आएगा। तो ये हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब हम यहाँ पे लगान रसीद पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लगान रसीद पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका ऑनलाइन रसीद कट के सामने दिखेगा, जो भी आपका डिटेल्स है यहाँ पे सब कुछ, जिस नाम से था वही सब चीज़ है आपका, और जितना आपने पेमेंट किया वो भी आपको दिख जाएगा इसमें। तो दोस्तों यही है आपका ऑनलाइन रसीद। तो इसको प्रिंट करके हम सेव कर लेते हैं, सेव एज पीडीएफ हम कर लेंगे अपने मोबाइल में ही। और दोस्तों यदि आप लोगों का ये रसीद खो जाए तो आप लोग इसे कैसे फिर से डाउनलोड कर पाएंगे, तो चलिए मैं इसको ये भी बता देता हूँ अभी। तो फिर से आप वहीं होम पेज पे आ जाएंगे, biharbhumi.bihar.gov.in पे, और फिर ऑफिस ऑनलाइन लगान पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों आप क्लिक कर लेंगे पीछे लगान देखने वाले टैब पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से ऐसे वही वाला इंटरफेस आएगा जिसमें ज़िला का नाम सेलेक्ट करना होगा। तो आप जो भी है आप वो अपना सेलेक्ट कर लीजिए, फटाफट से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और वहीं खाता नंबर खोजे में जो भी अपना था हम डाल लेते हैं उसको, और खोजे पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा जो वहीं था, जिस आपने जिसका भी ऑनलाइन रसीद काटा है उस वाले टैब पे क्लिक करेंगे, देखे वाले पे क्लिक कर लेंगे। और देखे वाले पे क्लिक करने के बाद आपको फिर नीचे आना होगा, और नीचे आने के बाद पिछले भुगतान देखे वाले पे क्लिक करेंगे। तो पिछले भुगतान देखेंगे तो आप यहाँ पे लास्ट में आपको दिखेगा दोस्तों रसीद का विवरण, यहाँ पे लास्ट में रसीद संख्या जो है आपका वर्ष से 2018-19 वर्ष तक 2019-20 भुगतान की तिथि जो है, और कुल 890 यहाँ पे जो देखे लिखा उस पर क्लिक करेंगे और आपको फिर से वहीं आपका रसीद मिल जाएगा। तो दोस्तों यही थी जानकारी हमारे आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दैट्स ऑल।